भारत के लोगों हमारी बात सुन लो, 10 साल में अगर हिंदू एक नहीं हुआ, सनातनी एक नहीं हुआ, तो जैसे कश्मीर से पंडित को भगा दिया गया, 11 प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, 11 प्रदेशों में। इसलिए आज जागने की जरूरत है, हम सबको जात पात और भेदभाव को मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं, और अपने नाम के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए। गुजरात के पागलों, यहाँ पर आए हुए सभी प्रियजनों, हम एक बात तुमसे करबद्ध रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं, आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम मर जाएंगे पर सनातनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने समझ लिया महाराज जी कि हवाई जहाज और चार्टर से धर्म नहीं बचना है, जमीन में पिछड़े और पिछड़े लोगों के साथ चल करके ही सनातन बचना है। महाराज जी बुरा ना मानना, भारत में अगर बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पे दिक्कत, ये तो भारत आ गए, अगर हम लोगों पे दिक्कत हो जाए कहाँ जाओगे, अंटार्कटिका? अजय कि वो बागेश्वर बाबा का अभिवादन करे। आपने आज एक पगला थवाना मुझे भी नहीं लगा, अरे गोवाली परिवार हमको धीमे बोलना चाहिए, हम तो अभी गाड़ी में केला खा के पेट पाल रहे, तो तुम लोग जरा जोर से बोलो, हम सब हिंदू, कौन कौन मानता हम सब हिंदू एक हैं, कौन कौन चाहता भारत भव्य बने, कौन कौन चाहता कि भारत से जात पात मिट जाए, चाहते हो जोर से बोलो, माथे पर तिलक लगाओगे, सप्ताह में एक बार अगल बगल के मंदिरों में जाओगे, किसी भी हिंदू सनातनी के ऊपर कोई कुठाराघात करेगा तो एकजुट होकर के सामने आओगे, चौथी बात मानोगे, पूछो क्या, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से तो बोलो, जब भी भारत संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जाएगी तो माला दोनों से तैयार रहोगे। तो हमने नहीं कुछ बोला है, प्रशासन के लोग अगर सुन रहे हो, हमने कुछ नहीं बोला, हमने मालावर बोली है, कोई भी एक्शन हमारे ऊपर बनता नहीं है, सुन लो कान खोले तो बाद में परेशान हो जाए। हाँ, पांचवी बात मानोगे, पूछो क्या, जोर से बोलो, हम लोग सनातनी, चाहे वो जैन परंपरा के हो चाहे वो सनातनी परंपरा के हो, हम लोग आपस में नहीं क्या नहीं करेंगे, आपस में पक्का, बस इतनी पाली ताना के लोग जग जाए तो जय जय, गुजरात अपने आप जाग जाएगा। ये पांच बातें मानना है, मस्तक पर तिलक लगाने से हजारों लोगों में, चाहे जितनी भीड़ हो, हम जाते हैं एयरपोर्टों पे तो बड़े बड़े जींस फटे पैंट पहने मिलते हैं लोग, अब आजकल तो चलन हो गया है फटे पैंट वाला अमीर माना जाता, हमारे जमाने में फटे पैंट वाला गरीब माना जाता, आजकल अमीर माना जाता, तो अच्छे फटे पैंट वाले दिखते हैं, लंबी लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन हम जहाँ खड़ा हुआ पैर के खटक पटक तो सब देखने लगते कौन आया, हमारी 60 रुपया की धोती उनके 10,000 के पैंट के ऊपर भारी होती है। और कई लड़के हम देखते हैं एयरपोर्टों में, आजकल फाउंडेशन का वो कमाल चला है, तो कई लड़के लगाए ले जाते हैं हमको, उनके सामने छोटा सा लाल टीका अलग दिखाई देता है, तुम्हारा हजारों का मेकअप एक तरफ, हमारा सनातनी टीका एक तरफ, सनातन के टीका के सामने सब ठीक है। इसलिए हम लोगों को मस्तक पर तिलक लगाना है, अपनी प्राचीन परंपराओं को मानना है, माता पिता और संतों का आदर करना है, संतों का आदर क्यों करना, साधु संत के
तुम रखवारे और हनुमान जी महाराज संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं? जोर से बोलो, संतों के रक्षक श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी को पाना है तो संतों के चरण को पकड़ो, राम जी को पाना है तो हनुमान जी के चरण को पकड़ो। हम लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, हम लोग चरण को पकड़ते हैं संतों के, पर आचरण पड़ोसी के पकड़ते हैं। फिर कहते हैं गुरु जी कृपा नहीं हो रही, छटली के लगे न खटा, आगे के लगे कहाँ से कृपा हो जाए। संतों के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। संत के पकड़ो आचरण, भगवंत के पकड़ो चरण, फिर क्या होगा भैया? तुमको प्रभु कण कण में दिखाई पड़ेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह विराजमान है। अच्छा, हनुमान जी की महिमा क्यों है? लोग हम महाराज जी अभी बहुत सा उद्बोधन कर रहे थे, बाल हनुमान ही हनुमान। महाराज जी, हमारे जैसा पापी जीव कोई है नहीं पृथ्वी पर, हम महानालायक हैं। वो तो आपकी दृष्टि है और आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उसका प्रताप है। हमारे पास तो कोई सामर्थ्यता नहीं, लेकिन हम भी एक दिन अभी बैठे बैठे सोच रहे थे कि हनुमान जी की इतनी पूजा क्यों गांव के मंदिरों में, गांव में राम जी मिले या ना मिले, शंकर जी मिले या ना मिले, हैं जी भाई साहब के रूप मिल जाए, हनुमान जी का मंदिर जरूर मिल जाए। यही है विचित्र, सीटी बजा रहे जैसे कोई लड़की नाच रहे। अरे जय श्री राम बोले, सीताराम बोले तो वो नहीं बोला जाना। तो हमारा भारत बड़ा अद्भुत, इसलिए हमने जात पात को मिटाने के लिए प्रण लिया है 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। इसलिए हमने नारा दिया, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। कौन कौन चाहता है तो भारत भव्य हो? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रामचरितमानस को कोई जड़ाए? क्या तुम चाहते हो कि जो कोलकाता में उस डॉक्टर बेटी मेरी बहन के साथ में अत्याचार हुआ ऐसा किसी और के साथ हो? क्या तुम चाहते हो कि जैसे कश्मीर से सब कश्मीरी पंडित भगाएगा तुम्हें भागना पड़े? बुरा ना मानना, भारत के लोगों हमारी बात सुन लो, 10 साल में अगर हिंदू एक नहीं हुआ, सनातनी एक नहीं हुआ, तो जैसे कश्मीर से पंडित को भगा दिया गया, 11 प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, 11 प्रदेशों में। इसलिए आज जागने की जरूरत है, हम सबको जात पात और भेदभाव को मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं, और अपने नाम के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए। हम अभी विदेश गए, एक आदमी हमें मिला, गुरु जी अंग्रेज था, उनका खुश रहो, कहाँ गए हो? बोले ऑस्ट्रेलिया। हमका भारत गए? बोले हाँ गए। हमका भारतीयों से मिले? बोले नो। हमका पागल हो क्या? फिर तो हमें लगता है बांग्लादेश घुस गए, भारत में भारतीय नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? बोले नहीं, हम भारत ही गए पर भारतीय नहीं मिले। हमका पागल हो क्या? भांगन खा के गए? बोले नहीं मिले। हमका फिर मिला कौन? बोले पंडित जी मिले, क्षत्रिय मिले, वैश्य मिले, सेवक मिले, लेकिन भारतीय मिले। हमें बात दिल में लग गई, उनकी बात तो पते की बोली है। भारत में जब कोई आता है तो कोई ये नहीं कहता कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो कहता हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं। विदेशों में ये अलग चलन है, इसलिए अब हम लोगों को इस बात को बहुत दावे के साथ समझना है कि हम लोगों को सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, भारत हमारा है, ये मानना। दूसरी बात, जात पात को तोड़कर हम सब हिंदू एक है। क्या है? जोर से बोलो। यहाँ के संतों की ऐसी महिमा जिनके सामने बड़े बड़े प्रबुद्ध जन, बड़े बड़े नास्तिक आस्तिक बन गए। इसलिए गुजरात के पागलों, यहाँ पर आए हुए सभी प्रियजनों, हम एक बात तुमसे करवत रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम मर जाएंगे पर सनातनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, इसका प्रण लेकर के चले। अच्छा देखो, और मजहब वालों में बल्कि परिपक्वता है, वे शुक्रवार को जाना नहीं छोड़ते, जाएंगे एकत्रित होंगे। हम लोग हम मंदिर जाते हैं नवरात्रि और गणेश में, वो भी डांस करना,
और लोग कहते हैं कि बताओ महाराज सनातन और हिंदू खतरे में क्यों, सनातन खतरे में ना हो तो कौन हो, हम लोग ही बट रहे। अब अच्छा हम लोगों के आपस में जातिवाद का बंटवारा तो हो ही गया, भगवानों का बंटवारा हो गया। ये पंडित जी के भरोसराम जी है, ये क्षत्रियों के भगवान है, ये कर्मा भाई इनकी है, ये निषाद राज इनके हैं, सबके अलग अलग भगवान है। बताइए तो भगवान ऊपर होगा तो हंस रहा होगा कि हमको भी अलग अलग कर दिया। सच ये है हम सब एक हैं, दो नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा जहर है जातिवाद, इस देश का सबसे बड़ा जहर है आपस में फूट पुराना मानना। हम लोग फिर से विश्वगुरु हो सकते हैं अगर विश्वगुरु बनने का भाव हो। हमने तो प्रण लिया है भैया, नवंबर में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने समझ लिया महाराज जी कि हवाई जहाज और चार्टर से धर्म नहीं बचना है, जमीन में पिछड़े और पिछड़े लोगों के साथ चल करके ही सनातन बचना है। मैं बजा दे सी जी क्या तुम छठली के बड़े डांस, जैन परंपरा के लोग भी चल रहे हैं, सिंधी परंपरा के लोग भी चल रहे हैं, जय झूलेलाल की यात्रा लेकर के। हाँ तो झूलेलाल भगवान की झांकी लेकर वो भी चल रहे हैं, सबकी संत रैदास भगवान की भी झांकी चल रही, वाल्मीकि भगवान की भी झांकी चल रही, तुलसीदास भगवान की भी झांकी चल रही। हमने सोचा पहले भगवान ना एक करें फिर हिंदू एक होगा। आओ पहले जो भगवान जो फुटकर हो गए हैं इन्हें थोक में ले आए, तो तुलसीदास जी वाल्मीकि जी रैदास जी कर्मा बाई और सिंधी परंपरा के हमारे जय झूलेलाल भगवान साहब की झांकी और प्रथम तीर्थंकर भगवान की भी झांकी चल रही, साहब की झांकी लेकर के हम चल रहे हैं, महावीर भगवान की सबकी झांकी लेकर चल रहे हैं, ताकि पहले भगवान एक हो फिर सनातनी हो। क्योंकि महाराज जी पुराना मान भारत में अगर बांग्लादेश जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर दिक्कत नहीं तो भारत आ गए, अगर हम लोगों पे दिक्कत हो जाए कहाँ जाओगे, अंटार्कटिका विचार करो। बांग्लादेश के हिंदू तो भारत आ गए शरण ले, और अगर मान लो भारत में ये हाल हो गया तुम कहाँ जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ मांग रखना, हमारा उद्देश्य अपनी रक्षा खुद करो। जितनी जिम्मेवारी तुम्हारी रक्षा की पुलिस की है उतनी ही जिम्मेवारी तुम्हारी अपनी भी है। पुलिस कहां तक तुम्हारा साथ देगी, खुद तैयार रहो। माला हमने नहीं बोला, हम गलती नहीं कर सकते, पहले थे हम बच्चे अब थोड़े अच्छे हो गए, अब सुधर गए, पहले हम कुछ भी बोल देते थे आग लग जाए, अब हम सुधर गए, अब हम जो बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं ताकि कोर्ट में तो जीते हैं अपन। भगवान की कृपा है आज तक एक भी FIR नहीं बची है, आज तक का इतिहास इतने उपद्रव हमने आज तक करे, इतनी ठटरी बारी हलीउल्ला है वालन की दबा ठटरी और बटरी दोनों मारी, आज तक हनुमान जी की कृपा से एक भी, क्योंकि हमने कभी गलत बोल नहीं है, हमने इतना कहा कि ये लोग जो मंचों पर नचवाते हैं इनको तो हमारे सामने ले आओ हम विदाउट मंच के नचवा दें। वो क्या करते हैं मंच के ऊपर DC करंट फैला देते हैं और रिमोट रखते जेब में और वो जैसे ही दबाव से नीचे से वो फुरफुरी आती, लोगों को लगता है देवता आ गया, कोई देवता नहीं होता है। हमने उनको कहा कि ये तुम्हारा नकली है इधर असली है, हमारे लोगे जो हम तुम्हें विदाउट पेंट के भेजेंगे वापस। तो हमारा उद्देश्य हिंदुओं को जगाना है। भारत माता की, बागेश्वर धाम की, दादा सोमनाथ की, महावीर भगवान की। सब लोग प्रेम पूर्वक रहना, अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं क्योंकि हवा बहुत चल रही है, ये बार बार झूला जैसा पेंडुलम हो रहा है और बाद में पता लगे कि कहीं अगर गिरा तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज है। बाबा इतना जानता था ये नहीं बता पाया कि मंच में हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से
आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो। अब हमारे साथ लोग ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ सन्यासी देवाय नमः। मनीमन पुनः बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, तीन महीने में भी एक बार अगर बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और हनुमान जी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों बालाजी के चरणों में पेशी करना प्रारंभ करते त्यों त्यों आराम लगने लगता। वहाँ हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है, स्वयंभू हैं। तीन पीढ़ियों से लगातार हमारे वंश में हमारे दादा गुरु जी, उनके भी दादा गुरु जी सेवा करते रहे, 322 साल पहले प्रकट हुए थे। कलयुग में तीन जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में पूजे जाते, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। अद्भुत रूप में श्री बालाजी भगवान विराजमान है। आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आप आए हो, मनीमन तीन बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना, आपके अलावा कोई नहीं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। मनीमन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, ऐसे पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से बॉडी की नेगेटिविटी, नकारात्मकता दूर होती है। और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा ऐसे 7